गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, मैं आज आपसे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये 3D लिपस्टिक मैट लुक में। तो गाइज, ये मैंने जो है लोकल मार्केट से परचेज करी, और सबसे बड़ी बात है इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 100 रुपीज है। और गाइज, इसका कलर इतना औसम है, बहुत औसम है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं या फिर ऑफिस जाने वाली लेडीज होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम लोग खरीद लेते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट हो गए। तो गाइज, ऐसे ही मैंने भी ये लिपस्टिक खरीद ली, क्योंकि सस्ती भी थी और कलर बहुत औसम था। इवन इसको मैंने बहुत यूज किया है, और इसको लगाने के बाद जो लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है, लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है फेस भी। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाह रही थी गाइज, लोकल सामान कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि लिपस्टिक हो गया या आपकी फेस के प्रोडक्ट होते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत नुकसान करते हैं। मैंने ये परचेज करी, मैंने काफी इसको यूज किया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो गाइज, धीरे धीरे मैंने देखा कि जो मेरे लिप्स हैं उसका जो कलर है वो लिटरली ब्राउन होता चला गया, इसके बाद अभी हल्का हल्का ब्लैकिश में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज, ये बहुत नुकसान करता है, इसमें लैग बहुत ज्यादा होती है, और मैं कलर्स वगैरह डालते हैं बहुत केमिकल होता है जो अपने को नुकसान करता है। तो इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से जस्ट यही शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें, जो मैंने ध्यान नहीं दिया, कि जब भी आप कोई लिपस्टिक खरीदते हैं तो हमेशा ब्रांड में खरीदिए। मैं भी हमेशा ब्रांड लैक्मे ही यूज करती हूँ, पर सडनली मार्केट में गई और मुझे पसंद आ गया। तो होता है ना, कई बार हमें जो चीज पसंद आती है फटाफट से ले लेते हैं, सोचते भी नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाह रही थी कि आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें फेस की प्रोडक्ट्स भी ऐसे बहुत है मार्केट में। तो ध्यान रखें कि हमेशा ब्रांड में ही यूज करें, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी यूज की जाती है, जो आपकी स्किन फ्रेंडली रहती है, स्किन को कोई डैमेज नहीं करती। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, कि हमेशा ऐसी चीज लें जो ब्रांडेड हो, आपकी स्किन पर किसी तरह की एलर्जी ना करे, तो नुकसान ना करे। और बस मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो कुछ भी खरीद लेती हैं बिना कुछ देखे, ध्यान नहीं देती हैं, स्पेशली फॉर ब्रांड, सिर्फ सस्ते के चक्कर में समटाइम हम लोग खरीद लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए गाइस, बस मैं इतना ही बताना चाह रही थी, यही मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे शेयर किया। मुझे बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा इस लिपस्टिक का, तो मैं यूज भी कर चुकी हूँ उसे काफी, और मैं दिखा देती हूँ उसकी पैकेजिंग भी काफी अट्रैक्टिव लगी मुझे, कलर भी काफी अच्छा, आपको भी लग रहा होगा देखिए। और लिपस्टिक का जो कलर है बहुत ही ऑसम है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, ये मैट लुक में लगाने के बाद बहुत अच्छा लुक भी आता है। तो आप देख के लग ही रहूंगा आपको कितना प्यारा कलर है, और मैट में भी है। तो गाइज, आप भी ध्यान रखें, अगर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले आप देख लें उसमें ब्रांड होना चाहिए, ऐसे कोई प्रोडक्ट ना खरीद लें जो आपको नुकसान करे। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए गाइज, ओके, बाय बाय।